हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, हम लोग लेकर आ चुके हैं स्ट्रेटजी फॉर क्लास 12th। ठीक है, अभी तक उनका कितना सिलेबस हो जाना चाहिए था, अभी से उनको कैसे पढ़ना है, जिन्होंने पढ़ना नहीं शुरू किया उन्हें कैसे पढ़ना है, सब कुछ आज के वीडियो में हम कवर अप करेंगे। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम को बचे हैं सिर्फ 4 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने आपके बचे हुए। और ये 4 महीने कब बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और अगर आप ऐसे ही बैठे रहे तो समय आपसे जीत जाएगा और आपका ये समय भी बीत जाएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, अभी तक आप लोगों का फिजिक्स जो है, अगर आप लाइन से पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में देखो 16 चैप्टर है ना, 14-15 या 16 चैप्टर है, तो अभी तक आप लोगों का कम से कम 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए था। 10 चैप्टर्स, यस 10 चैप्टर हो जाना चाहिए था अभी तक आपका। मुझे पता है मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका भी 6 हुआ होगा 7 हुआ होगा, लेकिन 10 हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब कुछ में कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि हम तो आपके चैनल के पर, अरे यार क्या मेरे भरोसे बैठे हो यार, और अगर मेरे भरोसे बैठे हो ना तो मैं नवंबर एंडिंग में पूरा करा दूंगा। पढ़ पाओगे तुम उतना जल्दी? नहीं कर पाओगे ना, मैनेज नहीं कर पाओगे तुम। जैसे देखो, जो दिवाली की छुट्टी होगी उसमें मैं थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए मुंबई आऊँगा, शायद 8-9 दिन के लिए आऊँगा, तो 9 दिन मेरे लिए इनफ होगा 16 चैप्टर पढ़ाने के लिए। ठीक है, पगला जाता हूँ मैं पढ़ाते टाइम, पता नहीं कितना कुछ पढ़ा देता हूँ एक ही साथ में। फिजिक्स का कम से कम अभी तक आपका 10 चैप्टर हो जाना चाहिए था। केमिस्ट्री में मैं कुछ पार्ट्स में बांटना चाहूँगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक यकीन है केमिस्ट्री कॉलेजेस क्लासेस में पार्ट्स में पढ़ाई जाती होगी, तो फिजिकल केमिस्ट्री अलग पढ़ाते होंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग पढ़ाते होंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग पढ़ाते होंगे, है ना, तो और अप्लाइड केमिस्ट्री भी है इसमें। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके टोटल 6 चैप्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 3 चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके टोटल 4 चैप्टर है, हेलो एल्किन, हेलो एरिन्स, ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर और एमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ग्रुप्स कंटेनिंग, ठीक है, जो भी आपके एसिड ग्रुप्स हैं उनके, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और अप्लाइड केमिस्ट्री में आपका 2 चैप्टर है, एक इंट्रोडक्शन टू ग्रीन केमिस्ट्री और एक पॉलीमर। ठीक है, तो मिला जुला के 6, 3, 9, 4, 13, 2 15 ही चैप्टर क्या केमिस्ट्री में, जहाँ तक मुझे याद है 16 चैप्टर्स हैं, है ना। तो ठीक है, अब जो भी है देख लेंगे उसको, जो भी चैप्टर्स हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, सकता है अप्लाइड केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हो, 3 चैप्टर है शायद, इंट्रोडक्शन टू ग्रीन केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, हाँ 3 चैप्टर से बायोमोलिक्यूल्स भी है। ठीक है, तो बेसिकली आपके 3 चैप्टर्स हैं अप्लाइड केमिस्ट्री में। अब देखो, होना ऐसा चाहिए था कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपका अभी तक कम से कम 3 चैप्टर हो जाना चाहिए था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 चैप्टर हो जाना चाहिए था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 चैप्टर हो जाना चाहिए था, अप्लाइड केमिस्ट्री में 1 चैप्टर हो जाना चाहिए था। मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये हुआ होगा, इससे ज़्यादा हुआ होगा, हो सकता है उनसे 2 हुआ हो, बट ये नहीं हुआ होगा, ये आपका 2 हो जाना चाहिए था बेसिकली। ठीक है, तो ये नहीं भी हुआ है ना, तो ये वैसे चैप्टर हैं जो आपको 2 दिन में बोर्ड एग्जाम में आज मैं पढ़ा दूँ आप कर ले जाओगे। 3 में से 2 चैप्टर ऐसे, एक इंट्रोडक्शन टू ग्रीन केमिस्ट्री और एक पॉलीमर, आज पढ़ा दूँ कल कर ले जाओगे आप, ऐसे चैप्टर से। तो ये तो यूं ही हो जाएगा अप्लाइड केमिस्ट्री, तो इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। बट फिजिकल केमिस्ट्री की अच्छे से टेंशन लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अच्छे से टेंशन लो। अगर आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो रही है तो कर लो भाई, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं की थी, मैं छोड़ के गया था और मेरे बोर्ड में आए थे सिर्फ 74 मार्क्स केमिस्ट्री में, ठीक है, 100 में से, तो समझ लो 26 नंबर मेरे कहाँ गए होंगे, 26 में से 1 नंबर चलो प्रैक्टिकल में गया होगा, बचे 25 नंबर मेरे कहाँ गए, ऑर्गेनिक में गए सारे नंबर। यस, हमें लगा था ऑर्गेनिक सिर्फ आएगी 17 मार्क्स की, तो हम ऑप्शन में छोड़ देंगे, बट जब हमने पेपर खोला तो ऑर्गेनिक दिख रही है, और थी वो उतने ही मार्क्स की, लेकिन उसने कॉन्फिडेंस ऐसा गिराया कि हमसे बहुत सारी गलतियाँ हुई। ठीक है, मेनली मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शायद फुल स्कोर किया होगा, फिजिकल में कुछ 4-5 नंबर गए होंगे, और इनऑर्गेनिक मेरी पूरी गड़बड़ गई, और जो ऑब्जेक्टिव्स में कटे वो अलग, ऑब्जेक्टिव्स में ऑर्गेनिक से तो कटे ही, बाकी चैप्टर से भी कटे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को कम से कम इतने इतने चैप्टर्स अभी तक कर लेने चाहिए थे। फिर आते हैं हम लोग बायोलॉजी में शायद 15 ही चैप्टर हैं। ठीक है, बायोलॉजी में तो 15 चैप्टर हैं, मुझे बायोलॉजी अच्छे से याद है, 15 ही चैप्टर्स हैं, तो 15 में से आप लोगों के अभी तक 7 चैप्टर हो जाने चाहिए थे। ठीक है, मुझे पता है चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, बट ठीक है, इतने तो आप लोगों से एटलीस्ट हो जाने चाहिए थे अभी तक। अगर आपने मैथ भी ले रखा है, मतलब आप मेरी तरह हो, पीसीएम भी सब कुछ मैनेज कर रहे हो, अगर आपने मैथ्स भी ले रखा है तो मैथ्स में 2 केसेज हैं, एक है मैथ्स 1, एक है मैथ्स 2। ठीक है, तो मैथ्स 1 में बेसिकली कितने चैप्टर्स हैं टोटल, एलपीपी तक 7 चैप्टर है, तो पीपी तक चैप्टर्स हैं, लेकिन आपके पहला चैप्टर है लॉजिक्स हो जाना चाहिए था, मैट्रिक्स हो जाना चाहिए था, ट्रिग्नोमेट्री हो जाना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन शुरू हो जाना चाहिए था, चलो ठीक है 4 चैप्टर आपके हो जाने चाहिए थे 7 में से। ठीक है, वेक्टर्स और लाइन प्लेन थोड़े भारी चैप्टर है तो उनको छोड़ दो अभी के लिए, लेकिन 4 चैप्टर्स आपके तो हो ही जाने चाहिए थे, आपके क्लासेस के नहीं, आपके हो जाने चाहिए थे। मैथ्स 2 में आप लोगों को टोटल चैप्टर्स 8 हैं, डिफ्रेंशिएशन हो जाना चाहिए था, कुछ लोग बोल रहे थे कि इंटीग्रेशन दोबारा पढ़ाओ, डिफ्रेंशिएशन दोबारा पढ़ाओ,
भाई मैंने अपना बेस्ट दिया है उसमें। अगर तुम्हें वो नहीं समझ रहा है, तुम्हें लग रहा है गलत पढ़ा रहा है, तो आई एम सॉरी, वही मेरा बेस्ट है, मैं उससे ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, बेस्ट दिया है मैंने उसमें अपना। अब वो भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे नहीं पता यार क्या नहीं समझ रहे हो तुम। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में मैंने बेस्ट दिया यार। रात के 2-2 बजे जाके मैंने वीडियोज़ बनाए थे, क्योंकि मुझे NIT जाना था। ठीक है, मतलब बेसिकली मेरा टिकट निकल चुका था, मुझे जल्दी ही जाना था, तो मेरे पास टाइम बहुत कम बचा था। उस कम टाइम में मुझे पूरा मैथ्स पढ़ाना था, तो मैंने रात रात को पढ़ाया यार। तो वो टाइम दोबारा से थोड़ी मैं ला सकता हूँ, है ना। मेरे पास वैसे भी टाइम बहुत कम है। देखो कल मैं जा रहा हूँ और मुझे अभी ऑसिलेशन पढ़ाना है, अभी मुझे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाना है, ये सब भी पढ़ाना है, तो वो सब पढ़ाना पड़ता है मुझे यार, मैनेज करना पड़ता है थोड़ा। तो दोबारा से तो वीडियो नहीं डाल सकता मैं। अगर तुम्हें उससे नहीं समझ रहा है तो किसी और को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, गुस्सा बिल्कुल नहीं हो रहा हूँ, खुशी बोल रहा हूँ कि अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत होगी, हो सकता है फास्ट पढ़ा दियो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग किसी और का देख सकते हो। अब देखो, इसमें डिफरेंशिएशन हो जाना चाहिए था, AOD हो जाना चाहिए था, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए था, और डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए था। मतलब एटलीस्ट आपके 4 चैप्टर्स हो जाने चाहिए थे। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो हो ही जाना चाहिए था आपका। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में चलो अगर आपने कुछ भी शुरू नहीं किया तो मैं बोलता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश हिंदी में अगर आपका 0 चैप्टर हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चल के जब लेक्चर्स आएंगे तो इसको आप लोग आराम से मैनेज कर लोगे। आप इसको जनवरी से भी पढ़ोगे ना तो भी आराम से मैनेज कर लोगे, क्योंकि आपका एग्जाम मोस्टली प्रोबेबली मिड फेब से होगा। ठीक है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो, अगर आप लोग अप्रैल से पढ़ रहे हो, मई से पढ़ रहे हो, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने हो चुके हैं। और 6 महीने में यार तुमने 10, 3, 13, 1, 14, 2, 16, 1, 17, 24, 28, 32 नहीं हुए तुमसे 6 महीने में। 1 महीने में कम से कम तुम्हें 10 चैप्टर करने चाहिए बोर्ड लेवल पे। 1 महीने में कम से कम 10 चैप्टर। ठीक है, तो तुमसे एक्चुअली अभी तक सिलेबस हो जाना चाहिए था, बट ठीक है, अभी तक तुमने अगर कुछ भी नहीं किया तो इतना तो हो जाना चाहिए था। और अगर अभी तक कुछ भी नहीं किया तो तुम्हें मैं क्या रिकमेंड करूँगा कि तुम मैथ्स 1 से शुरू करो। अगर PCM स्टूडेंट हो तो मैथ्स 1 से शुरू करो, PCB स्टूडेंट हो तो केमिस्ट्री से शुरू करो। केमिस्ट्री में अभी तो मेरे सॉलिड स्टेट के लेक्चर्स भी है, उन्हें देखो, 4 लेक्चर में पूरा खत्म है सॉलिड स्टेट। ठीक है, 4 लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स खत्म है, और 4 लेक्चर में ही सॉल्यूशन भी खत्म करूंगा, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, ऑसिलेशन 3 ही लेक्चर में मेनली हुआ है, 4th लेक्चर तो टाइम पास है। तो बेसिकली आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हो। फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में आप लोग कुछ चुनिंदा चैप्टर करो, मतलब पहला चैप्टर छोड़ दो, दूसरा चैप्टर छोड़ दो, इसमें 3rd चैप्टर से शुरू करो, 5th चैप्टर करो, इसके बाद इसके बाद 6th चैप्टर करो, इसके बाद 9th चैप्टर करो, इसके बाद 14th चैप्टर करो, इसके बाद 15th चैप्टर करो। ठीक है, ऐसे लाइन से मत करो, अभी ऐसे जाओ, क्योंकि हो सकता है आपको ना समझे हो, तो 3rd करो, 5th करो, 6th करो, ऐसे करो। मैथ्स 1 से शुरू करो, फिर केमिस्ट्री करो, ऐसे धीरे धीरे आप लोगों को मैनेज करना होगा। स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। और मुझे पता है इस YouTube पे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आप लोगों को मतलब 15-16 लेक्चर ले रहे हैं एक ही चैप्टर के लिए। मुझे बहुत बुरा लगता है मतलब आपके लिए नहीं कि आप उनका लेक्चर देख रहे हो, खुद के लिए नहीं कि उनका लेक्चर देख रहे हो, बल्कि इसलिए कि यार मैं नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने 16 लेक्चर में कराई है ना, वो चीज़ मैं 4 लेक्चर में करा सकता हूँ। और ऐसा नहीं 4 लेक्चर एक एक घंटे के, शुरू के 3 लेक्चर 1 घंटे के और 4th लेक्चर कम टाइम का। ठीक है, तो बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा सकता हूँ, तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। सोचो 4 घंटे में आपका एक चैप्टर हो रहा है, सुबह आप चैप्टर लेके बैठे, शाम को आपने पाया कि आप उस चैप्टर में एक्सपर्ट हो। तो बच्चों, ये आखिरी मौका है आपके पास, आप 12th में हो तो अक्टूबर आपके पास आखिरी मौका है, इसी महीने आपको इस चीज़ को कवर अप कर लेना है। चलो फिजिक्स में मान लो 10 चैप्टर नहीं हुआ, 5 कर लो, चलो इसमें से कोई 5 चुन लो, 5 कर लो, 6 हैं 5 चुन लो, ठीक है, 6ठा चैप्टर छोड़ दो, 3रा, 5वां, 9वां, 14वां, 15वां कर लो, इतने कर लो कम से कम। मुझे पता है फिजिक्स बहुत भारी जा रही होगी, स्पेशली उनको जिनका 10th में कम परसेंट था, जिनका 11th अच्छा नहीं है, उनको फिजिक्स बहुत भारी जा रही होगी। लेकिन तुम कम से कम केमिस्ट्री कर सकते हो, इनऑर्गेनिक कर सकते हो, ऑर्गेनिक कर सकते हो, अप्लाइड कर सकते हो, ये तो कर सकते हो ना, तो एटलीस्ट ये कर लो। अप्लाइड के 2 चैप्टर कर लो, इंट्रोडक्शन टू ग्रीन केमिस्ट्री और पॉलीमर, पढ़ा दूंगा मैं अप्लाइड केमिस्ट्री अच्छे से, पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा मैं बहुत जल्दी। बायोलॉजी में 7 चैप्टर कर लो 15 में से। मैथ्स भी है आपके पास तो मैथ्स 1 से शुरू करो, 4 चैप्टर। अभी मैं ये सोचता हूँ कि यार इतना मुश्किल है 12वीं, मैंने कैसे किया था PCMB मैनेज, ठीक है, क्या मतलब मेरे टाइम पे सिलेबस रिड्यूस था। देखो सिलेबस रिड्यूस का कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, क्यों पता है, क्योंकि उन्होंने वही रिड्यूस किया जो नहीं आता। जैसे फिजिक्स के 5वें चैप्टर में उन्होंने डैम्पिंग हटा दिया, क्या मतलब डैम्पिंग हटाने का, डैम्पिंग आता भी कहाँ है, ठीक है। 6वें चैप्टर से उन्होंने एक छोटा सा पार्ट हटा दिया, क्या मतलब उसे हटाने का यार, वो आता भी नहीं है। EMI में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट हटा दिया, ठीक है, वो तो आता भी नहीं है यार, क्या मतलब। तो सिलेबस रिड्यूस का कुछ फर्क नहीं पड़ा, बायो में था थोड़ा फायदा, बाकी मैथ्स में भी उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें हटाई थी जो आता नहीं है, और हम लोग कर चुके उसके बाद पता चला। जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में वो अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालने वाला फॉर्मूला होता है ना, बाय द फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन AOD में 2.2, वो हटा दिया उन्होंने, हम कर चुके थे, हमें आने लगा था, ऐसा कोई नहीं था। लेकिन फिर भी यार मैनेज हो जाता है, हमारी कोचिंग में मई से शुरू हुआ था, लेकिन मेरी प्रिपरेशन नवंबर से शुरू हुई थी। मैथ्स हटा दो तो बाकी सब मैंने नवंबर से पढ़ा है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, सॉरी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैंने नवंबर से पढ़ा है। तो आपके पास तो एक और महीना है,
ठीक है, बात अलग है आपका मैथ भी गया है, लेकिन धीरे धीरे मैनेज करो, लेक्चर्स को देखना शुरू करो, अपना टाइम बचाओ और न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करो, हर एक की एक्सरसाइज पढ़ो। फिजिक्स कैसे पढ़नी है इसके ऊपर वीडियो आ ही चुका है, मैथ्स कैसे प्रिपेयर करना है इसके ऊपर भी चैनल पे वीडियो है। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन शुरू करो, बाकी आपकी जो भी क्वेरी है उसको कमेंट करो। तो कैसा, मैं अभी एक कॉमन क्वेरी नहीं ले सकता हूँ कोई, तो आप लोग अपनी अपनी जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसे कमेंट करो, मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं रिप्लाई करता हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, वहाँ बीच में छूट गई थी आदत, लेकिन अभी मैं फिर से रिप्लाई करने लगा हूँ। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे एक और स्ट्रेटजी। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।